सिगरेट हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये कोई नई खबर नहीं है। हम धूम्रपान के खतरों के बारे में दशकों से जानते हैं, लेकिन सिगरेट हमें कैसे नुकसान पहुंचाती है? आइए देखते हैं, जब इसके घटक हमारे शरीर में से होकर गुजरते हैं तो क्या होता है, और जब हम धूम्रपान बंद करते हैं तो हमें कैसे फायदे होते हैं। हर सांस के साथ धुआं आपके शरीर में 5000 से अधिक रासायनिक पदार्थों को शरीर के ऊतक के संपर्क में लाता है। आरंभ से ही टार, एक काला रेजिन जैसा पदार्थ, दांतों और मसूड़ों पर जमने लगता है, जिससे दांतों को नुकसान पहुंचता है और अंत में सड़न पैदा होती है। समय के साथ धुआं नाक की नसों को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे सूंघने की शक्ति कम हो जाती है। वायु मार्गों और फेफड़ों के भीतर संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है, और साथ ही ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा जैसी जीर्ण बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे वायु मार्ग को साफ रखने वाली सिलिया नामक केशनुमा छोटी छोटी संरचनाओं को नुकसान होता है। फिर ये फेफड़ों और रक्त के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान संभव करने वाली एल्वियोलाई नामक महीन थैलियों में भर जाता है। जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड झिल्लियों को पार करके रक्त में पहुंच जाती है और शरीर में प्रवाहित होने वाली हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को विस्थापित करती है। इसी वजह से धूम्रपान से ऑक्सीजन की कमी और सांस में तकलीफ होती है। लगभग 10 सेकंड के भीतर निकोटीन नामक एक उत्तेजक पदार्थ रक्त प्रवाह के जरिए दिमाग में पहुंचता है और डोपामीन और एंडोर्फिनों सहित अन्य न्यूरोट्रांसमीटर्स को मुक्त करता है, जिनसे सुखद संवेदनाओं का निर्माण होता है, जो धूम्रपान के अत्यधिक व्यसनकारी होने का कारण है। निकोटीन और सिगरेट के अन्य रसायन रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देते हैं और उनके नाजुक एंडोथेलियल स्तर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे रक्त प्रवाह सीमित हो जाता है। इससे रक्त वाहिकाओं की दीवारें मोटी हो जाती हैं और प्लेटलेट्स अधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे थक्कों के बनने और दिल का दौरा और स्ट्रोक होने की आशंका बढ़ जाती है। सिगरेट के कई रसायन शरीर के डीएनए में खतरनाक उत्परिवर्तनों को प्रेरित करते हैं, जिनसे कैंसर होता है। इसके अतिरिक्त आर्सेनिक और निकल जैसे घटक डीएनए की मरम्मत की प्रक्रिया को ध्वस्त कर सकते हैं, जिससे शरीर की कैंसरों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। वास्तव में अमेरिका में कैंसर से होने वाली मौतों में से एक तिहाई धूम्रपान के कारण होती है। ये केवल फेफड़ों का कैंसर ही नहीं है, धूम्रपान कई ऊतकों और अंगों में कैंसर का कारण बन सकता है, आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है और हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। ये महिलाओं का गर्भवती होना कठिन बना देता है। पुरुषों में इसके कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, लेकिन जो लोग धूम्रपान छोड़ देते हैं उन्हें लगभग तत्काल ही अनेकों शारीरिक लाभ मिलते हैं, जो लंबे समय तक बने रहते हैं। धूम्रपान बंद करने के 20 मिनट के भीतर ही हृदय गति और रक्तचाप सामान्य पर लौटने लगते हैं। 12 घंटे के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड के स्तर स्थिर हो जाते हैं, जिससे रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके एक दिन बाद रक्तचाप और हृदय की गति सामान्य होने के साथ दिल के दौरे का जोखिम कम होने लगता है। 2 दिन के बाद गंध और स्वाद के लिए उत्तरदायी नसें स्वस्थ होने लगती। लगभग 1 महीने के बाद फेफड़ों के अधिक स्वस्थ होने से खांसी और सांस की तकलीफ कम होने लगती है। वायु मार्गों और फेफड़ों के सिलिया कुछ ही सप्ताहों के भीतर ठीक होने शुरू हो जाते हैं और 9 महीने के बाद सामान्य हो जाते हैं, जिससे संक्रमण के प्रति प्रतिरोध में सुधार होता है। छोड़ने के 1 वर्ष बाद रक्त वाहिकाओं के काम में सुधार होने के साथ हृदय रोग का जोखिम कम हो जाता है। 5 वर्षों के भीतर थक्का बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है तथा स्ट्रोक का जोखिम भी कम होता चला जाता है। 10 साल के बाद फेफड़ों के घातक कैंसर के होने की संभावना 50% तक कम हो जाती है, क्योंकि शरीर की डीएनए की मरम्मत करने की क्षमता बहाल हो गई है। 15 साल बाद कोरोनरी हृदय रोग विकसित होने की आशंका किसी धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति की जितनी ही रह जाती है। लेकिन ये सब हासिल करना आसान नहीं है। सिगरेट छोड़ने से होने वाले निकोटीन विड्रॉल के कारण चिंता और अवसाद उत्पन्न हो जाता है, लेकिन सौभाग्य से ऐसे प्रभाव आमतौर पर अस्थायी होते हैं और नए साधनों की उपलब्धता के साथ इसे छोड़ना ज्यादा आसान हो रहा है। गम, स्किन पैच, लॉजेंजेस और स्प्रे के माध्यम से निकोटीन प्रतिस्थापन थेरेपी धूम्रपान छोड़ने वालों की मदद कर सकती है। वे दिमाग में निकोटीन अभिग्राहकों को प्रेरित करके और अन्य हानिकारक रसायनों को शामिल किए बिना विड्रॉल के लक्षणों को रोककर काम करते हैं। परामर्श और समर्थन समूह, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा और मध्यम तीव्रता के व्यायाम भी धूम्रपान करने वालों को सिगरेट मुक्त रहने में मदद करते हैं। ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि सिगरेट छोड़ने के बाद आप फिर से स्वस्थ हो सकते हैं। क्या आप कुछ अधिक स्वास्थ्य आदतें डालने के लिए तैयार हैं? ये जानने के लिए ये वीडियो देखें कि आप जो चीजें खाते पीते हैं
वो आपके दिमाग को कैसे प्रभावित करती हैं।